दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ऊषा की किरण में। आज हम बात करेंगे टाटा योद्धा के एक और खास मॉडल 1700 के बारे में, जिसको कंपनी ने अपने BS6 इंजन के साथ में लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगले 5.5 मिनट के अंदर मैं इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, साथ ही आपको बताऊंगा इसके ऑन रोड प्राइस और माइलेज। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों टाटा योद्धा सामने की साइड से हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जहां पर आपको काफ़ी बड़े सारे इसके हेडलाइट्स दिखते हैं, साथ ही मिलेंगे इंडिकेटर और नीचे की साइड में आपको फॉग लैंप वगैरह लगाने की भी जगह मिल जाती है। दोस्तों अगर आपका बिजनेस है दूध डेयरी का, फल फ्रूट का या कोरियर का, तो आप इस गाड़ी का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को इंदौर के आसपास से खरीदना चाहते हैं या इंदौर में खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास होने चाहिए लगभग 9,15,000 रुपये के आसपास का बजट। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी के साथ में अब आपको मिलता है बेहतरीन माइलेज, लगभग 14 से लेकर के 14.5 किलोमीटर तक का माइलेज 1 लीटर डीजल के साथ में, क्योंकि यहाँ पर लगे हुए हैं इसके बड़े टायर 215/75 16 इंची के आपको यहाँ पर टायर मिलेंगे। 4 गाड़ी में एक मिलेगा पीछे की साइड में आपको स्पेयर व्हील के रूप में। दोस्तों BS6 होने के नाते यहाँ पर कंपनी ने तमाम सारे नए फीचर्स को लॉन्च किया है नई गाड़ियों के अंदर। अब आपको मिलते हैं पीछे की साइड में रिवर्स पार्किंग सेंसर, जिससे कि अब आपकी जो गाड़ी है इसको रिवर्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपको पीछे की साइड में मिलेंगे 4-4 रिवर्स पार्किंग सेंसर। दोस्तों इस गाड़ी के साथ में आपको पीछे की साइड में काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन मिलेगा, 9 पट्टे का लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, जो कि 2 स्टेज में काम करता है, यानी कि 2 स्टेज सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको पीछे की साइड में मिलता है विद हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्बर्स के साथ में। साथ ही आपको पीछे मिलते हैं ड्रम ब्रेक। तो दोस्तों इस तरह का आपको पीछे का लुक दिखाई देता है, जहाँ पर आपको स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो पीछे की साइड में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो कार्गो बॉडी मिलती है वो मिलेगी आपको 8.7 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, जिसके अंदर आप लगभग 1700 केजी से भी ज़्यादा तक का माल आसानी से लेके जा सकते हैं। वैसे कंपनी का कहना है कि आपको यहाँ पर 1700 केजी का माल ही लेकर के जाना है। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी के साथ में आपको कई नई फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अब आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट एडवाइजर मिलेगा, साथ ही ड्राइविंग के लिए कुछ इको मोड मिलते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी की जो है फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ये गाड़ी है टाटा योद्धा, जिसको कि आमतौर पर आप शहर कस्बे मोहल्ले हर जगह पे इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रक का जो इंजन है वो सामने की साइड में माउंटेड होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नीचे से इस तरह का हमें ये जो ट्रक है दिखाई देता है। यहाँ पर आगे की साइड में आपको 6 पट्टे का सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है विद एंटी रोल बार जैसी सुविधा के साथ में। साथ ही मिलते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, यानी कि ट्विन पोर्ट डिस्क ब्रेक आपको सामने की साइड में मिल जाते हैं, जिससे ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन इस ट्रक की हो जाती है। दोस्तों इस ट्रक की जो प्राइस है वो 9,15,000 रुपये के आसपास इंदौर शहर में है। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप टाटा सांगी से इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इंजन की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर मिलता है 2.2 लीटर का डायकोर का, यानी कि इंजन, यानी कि टाटा का डायकोर इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, जिससे कि आपको लगभग 100 HP की पावर मिलती है 3,750 RPM के आसपास, और 250 Nm के आसपास का टॉर्क मिल जाता है 1,000 से लेकर के 2,500 RPM के आसपास। साथ ही दोस्तों BS6 गाड़ी होने के नाते अब आपको यहाँ पर कोई भी यूरिया वगैरह डालने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने किया है अपनी LNT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो कि लीन नॉक्स ट्रैप टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आपके जो BS6 की जो पॉल्यूशन मानक है वो मीट हो जाते हैं बिना यूरिया डाले। तो दोस्तों ये था इसका इंजन। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की हम वारंटी के बारे में। 3 साल या 3,00,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से इन गाड़ियों के ऊपर। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है 260 mm का सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप का क्लच प्लेट, जिससे कि आपको लगभग बेहतरीन चढ़ाई चढ़ने की क्षमता मिल जाएगी लगभग 40% के आसपास। चलिए दोस्तों केबिन की बात कर लेते हैं। डोर के ऊपर आपको हैंडल मिलता है, और साथ ही मिलेगा ग्लास अप एंड डाउन करने का लीवर और डोर अनलॉक करने का लीवर। बाकी यहाँ पर आपको पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी, जिनको कि आप बीच में रख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ड्राइविंग सीट मिलती है, जिसको कि आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप रिक्लाइन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों नई गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में, साथ ही हेडरेस्ट वगैरह आपको मिली जाते हैं आपकी कंफर्ट ड्राइविंग के देखते हुए। यहाँ पर कंपनी ने ये सारी सुविधाओं को दिया है, साथ ही आपको ऊपर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह का केबिन है, जिस केबिन के सामने की अगर बात करें यहाँ पर इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके ऊपर डिजिटल और एनालॉग रूप से आप तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो BS4 और BS6 की तुलना में कोई खासा बदलाव नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। हाँ, लेकिन कुछ सर्विस रिलेटेड यहाँ पर आपको नई इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देंगी, जो कि BS6 का ही एक हिस्सा है। दोस्तों बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, जहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाने के लिए जगह मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर हेडलाइट भी मिलती है केबिन के अंदर, जो कि इस केबिन को रोशन कर सकती है। दोस्तों इसकी जो क्रूजर केबिन है, यानी कि डबल केबिन है, उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि आई बटन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों
दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो। दोस्तों, अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सुझाव है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है टाटा का 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन फुल्ली सिंक्रोमस गियरबॉक्स के साथ में, जो कि GBS 76 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यही था एक टाटा योद्धा BS6 1700 का छोटा सा रिव्यू, जिसके अंदर आप लगभग 1700 kg तक का माल जो है आसानी से लेकर के जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।